आज का प्रातः क्लास है 7/12/1968 शनिवार। ओम शांति। ये ओम शांति का अर्थ मालूम है तुम बच्चों को? मालूम है अर्थ का मीनिंग? ज्योति। ओम शांति का अर्थ क्या है बताओ? किसी ने कहा मैं आत्मा हूं? हाँ, मैं आत्मा हूं और शांत स्वरूप हूं। ओम, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। अभी पुरुषोत्तम संगम युग में जब तुमको बताया जाता है ना, ये अर्थ है ओम शांति का, तो तुमको वो शांति धाम घर याद आता है। जो आत्माओं का अपना घर है ना, वो याद आता है। और आत्मा को तो ये मालूम है कि हमारा घर है शांत देश, और मैं आत्मा भी शांत स्वरूप हूं। इस सृष्टि में मैं आत्मा जब आता हूं तो आर्गन से मिलते हैं, तब टाकी बनता हूं। ये तो मेरी बात हुई। अर्थात सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु की बात हुई। तो तुम भी तो टाकी बनते हो ना? तुम हो तो वहां के शांत स्वरूप देश के शांति धाम के। फिर जब इस दुनिया में शरीर में आते हो तो चुर्र पुर्र करते हो, बड़े होते हो तो टाकी बन जाते हो, आहिस्ते आहिस्ते टाकी बनते हो। अब ये परमपिता और ये परमात्मा दोनों कंबाइंड है ना, तो ये तो बड़ा है ही एक व्यक्तित्व। और इनकी आत्मा कोई छोटी आत्मा नहीं कहेंगे, उन दोनों आत्माओं को भी रथ चाहिए। किस लिए? टाकी बनने के लिए। तो जैसे तुम बच्चे टाकी हो और रहने वाले परम धाम के हो, उससे बड़ा धाम तो और कोई होता ही नहीं है आत्माओं का। वैसे ये भी कहते हैं मैं भी टाकी बना हूं इस सृष्टि में आकर के तुमको नॉलेज देने के लिए। कौन सी नॉलेज? अरे अपना परिचय भी देना है, और ये जो रचना है
उस रचना की आदि मध्य अंत और आदि मध्य अंत का ज्ञान देना है, पढ़ना है। वो ज्ञान देना ही माना पढ़ाई। उसको ज्ञान नहीं कहा जाता है, जो दुनिया में दिया जाता है अनेक मनुष्य गुरुओं के द्वारा, क्योंकि वो तो साथ जिस्मानी ज्ञान है, जिस्मदारियों के द्वारा दिया जाता है, देहधारियों के द्वारा, क्योंकि वो देहधारी गुरु तो अपन को देह समझते हैं ना, समझते हैं कि हम देह लेते हैं, ये देह लेते हैं, वो देह लेते हैं। वो ज्ञान उनमें नहीं है कि हम आत्मा परमधाम की रहने वाली है और इस दुनिया में शरीर में आकर के ये ज्ञान सुनते हैं। वो ज्ञान उनमें नहीं रहता है। यहां आते हो तो सुनते हो कि बरोबर बाबा आया हुआ है, साकार निराकार का मेल, और वो बाबा पतित पावन भी है, है? बाबा है साकार और निराकार का मेल, तो कौन पतित कौन पावन? साकार है पतित और निराकार है जो सदा निराकार है, और जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा साकार है वो है पतित। तो पतित और पावन का मेल है, इसलिए कहते हैं पतित पावन, दोनों ही कंबाइंड है जरूर। और मुकर्र रथ में आकर के समझाते हैं, कोई सिर्फ सुनाने की बात नहीं है, तो कैसे समझावे? वो खुद बोलते हैं कि मैं तुम्हारे माफिक, जैसे तुम आत्मा शरीर में आती हो, शरीर में लगाव लग जाता है, मैं ऐसे शरीर में नहीं आता हूं अटैचमेंट पूर्वक, माता के गर्भ में नहीं आता हूं, यानी शरीर तो चाहिए तो ना, तो इसलिए मैं आकर के इसमें प्रवेश करता हूं। और जब प्रवेश करता हूं इसमें तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि रथ तो है ही। अब रथ चाहे टेम्पररी रथ हो, चाहे स्थायी रथ हो, मुकर्रर रथ हो, रथ तो जरूर है। और देखते हो कि प्रैक्टिकल में बात तो इनसे करते हैं ना, किनसे? प्रैक्टिकल रथधारी से, जो भी दोनों हैं, मुकर्रर रथधारी टेम्पररी रथधारी, इनसे बात तो करते हैं ना, करते हैं। और बरोबर इसको माता भी कहा जाता है। भी क्यों लगाई दिया? क्योंकि टाइटल धारी भी तो है प्रजापिता का, तो माता भी कहा जाता है, प्रजापिता ब्रह्मा भी कहा जाता है, टाइटल धारी है।
अरे ये सबसे बड़ी नदी है ना। कहाँ की? विदेश की? नहीं, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा नदी। तो ब्रह्मपुत्रा नाम क्यों दिया? आत्मा पुरुष है ना। हाँ, फीमेल के रूप में देखेंगे तो नदी है, तो इसका नाम रखा हुआ है ब्रह्मपुत्री। किसने? भक्ति मार्ग। ब्रह्मपुत्री है तो भगतिन भी तो रही होगी, नहीं? हाँ, ब्रह्मपुत्री नदी है ना, कोई सागर तो नहीं है ना। कलकत्ते के तरफ में जाकर के सागर में पड़ती है। तो ये ब्रह्मपुत्रा कहो, ब्रह्मपुत्री कहो, सबसे बड़ी नदी है भारत देश की। इसको महानदी भी कहते हैं। महानते महान नदी, जैसे देवताओं में कहते हैं महादेव, देवताओं में महानते महान देव, महादेवी कह दो। तो ये तो दृष्टांत दिए हुए हैं उन्होंने भक्ति मार्ग में। अभी पुरुषोत्तम संगम युग में तुम बच्चे तो यहां देखते हो कि कोई पानी की नदी की तो बात है नहीं। जैसे पानी बहुत पतला होता है, वैसे ये ज्ञान भी बहुत महीन ज्ञान है, ये तो जानते हो कि ये ब्रह्मपुत्रा महानदी है, बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी। तो ये कोई पानी की तो नदी नहीं है, ज्ञान जल की नदी है। फिर ज्ञान का अर्थ कोई पानी नहीं निकलता है, समझानी है। जैसे वो कहते हैं ना, जल से पतला कौन है, तो क्या जवाब देते हैं? जल से पतला ज्ञान है। तो ये समझानी है, देखते हो ना, तुमको ये समझानी मिलती है। पहले पहले ही तुमको आकर के समझाते हैं कि बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूं, बाप। जैसे तुम बात करते हो वैसे मैं भी बात करता हूं, तुम पार्ट बजाते हो, बजाते आए हो, अच्छा भी तो बुरा भी। और मेरा पार्ट तो सबसे पिछाड़ी का है, अच्छे से अच्छा भी है और फिर बुरे से रौद्र रूप धारण करने वाला रुद्र भगवान भी कहा जाता है। क्यों? सबसे पिछाड़ी का क्यों है? जब तुम बिल्कुल ही पतित बन जाते हो तब मेरा आना होता है। तो ये बात आ करके समझाते हैं ना, कर करके आना होता है।
तुमको बाबा बारिश बनाने के लिए। तो देखो इनको सब कोई कहेंगे, इनको ये इतना मालिक बनाने के वाला कौन है? किनको, एक को या दोनों को? दोनों को। कौन कौन? दोनों को, राम और कृष्ण वाली दोनों आत्माओं की बात बताई। एक है विश्व का मालिक और एक है सतयुग का मालिक। इतना बड़ा मालिक बनाने वाला है कौन? कोई है या नहीं है? तो कहेंगे सिवाय ईश्वर के किसका नाम तो लिया नहीं जा सकता। है कोई दुनिया में? है? अरे कोई इसको समझाएगा? किसको? किसको समझाएगा? औरों को तो समझाना फिर भी सहज है, इसको समझाना वो तो सबके बस की बात नहीं है। कौन इसको समझाएगा? कोई किसको बताया है? कहेंगे सुप्रीम सोल, वो तो ज्योति बिंदु है, उसको तो मुख ही नहीं, वो कैसे समझाएगा? वो मुकर रथधारी में प्रवेश करता है, है? तब वो एक ही है मनुष्य सृष्टि का बाप, जो ब्रह्मा वाली सोल को भी समझाता है या नहीं समझाता? उस ब्रह्मा की सोल को कोई दूसरा समझा सकेगा? हाँ, वही प्रजापिता ब्रह्मा जिसे कहा जाता है वही समझाता है। तो कहेंगे क्योंकि बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कौन सा माँ? बाप, आत्माओं का बाप। कैसे बनाते हैं? बेहद का बाप है तो बेहद का ज्ञान जल का भंडार दे करके बनाते हैं। किसको? ज्ञान सूर्य है ना, तो बेहद का जल किस में? ज्ञान सूर्य कहें है तो सूर्यवंशी, लेकिन बेहद का जल सागर में होता है ना, तो बेहद का बाप है षष्ठ रूपी रंगमंच पर। तो स्वर्ग का मालिक तो ये है, और बाबा तो बहुत सहज करके अभी पुरुषोत्तम संगम युग में समझाते हैं कि भगवान स्वर्ग स्थापन करते हैं। कौन सा भगवान है? करते हैं, करता है या करता है? वो ऊपर वाला तो अकरता है, फिर जब शरीर में प्रवेश करता है तो करता है या नहीं करता है? अरे सर्व संबंधों से सारे पार्ट बजाता है या नहीं बजाता? बजाता है। तो स्वर्ग स्थापन करते हैं, नई दुनिया उसको कहा जाता है। किसको? ये नहीं कहा उनको कहा जाता है, उसको कहा जाता है जिस नई दुनिया में बच्चों को अतीन्द्रिय सुख अनुभव होता है, कलाओं में बना हुआ कलाबद्ध सुख है या कलातीत सुख? कलातीत सुख अनुभव होता है नई दुनिया में। उसको सत्व प्रधान दुनिया कहा जाता है, उससे जास्ती सत्व और कोई दुनिया में नहीं होता। पुरानी दुनिया को पुरानी दुनिया ही कहा जाता है, उसको कहेंगे तमो प्रधान दुनिया, और उसको पतित दुनिया कहा जाएगा। ठीक है ना? तो ये पतित दुनिया और पावन दुनिया कोई तो बनाते होंगे ना, कि अपने आप बन जाती है? हा?
तो बनाने वाले हैं कोई जरूर होंगे ना। और पतित दुनिया बनाने वालों का चरित्र का यादगार चित्र और पावन दुनिया बनाने वाले का यादगार का चित्र, दोनों चित्र तो है ना। क्या चित्र है, है? रावण का चित्र है अनेक सिरों का, अनेक मत मतांतर से ये दुनिया पुरानी तमो प्रधान बनती है। और राम का, रामलीला खेलते हैं ना यादगार में, तो राम का जो चेहरा मोरा दिखाते हैं वो एक चेहरा है या अनेक सिर हैं? है एक सिर है, तो एक सिर से एक मत और अनेक सिरों से अनेक मतें मिलती हैं, उससे फिर होता है नरक। तो बाप आकर के समझाते हैं ये बात, और समझाने के लिए आना पड़े ना। अगर वो बेहद का बाप ना आवे तो तुमको समझावे कौन? देखो समझाने के लिए, इसीलिए क्योंकि ज्ञान का सागर तो वो बाप है ही, वो ही कहते हैं, वो ही कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। किसे ने कहा? शिव बाप ने कहा, वो ही बाप कहते हैं। क्यों? मैं नहीं कहता, ऐसे क्यों नहीं कहा? मेरे को तो मुख अपना है ही नहीं, तो वो ही अपने मुख से कहते हैं कि मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, और बीज रूप होने के नाते इस साकार मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूं। साकार सृष्टि का रचयिता साकार होगा या निराकार होगा? साकार ही होगा। अब क्योंकि मैं मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हूं, क्योंकि ये मनुष्य सृष्टि चैतन्य है ना, तो उन अनेक प्रकार की मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हूं, एक बीज। और वो खुद ही बताते हैं, मनुष्य सृष्टि का बाप है ना, तो बाप का परिचय बाप के अलावा कोई दूसरा दे सकेगा? दे ही नहीं सकता। तो वो खुद ही बताते हैं कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, मैं सत्य हूं। सत्य किसको कहा जाता है? जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल मौजूद रहे, ऑलराउंड पार्टधारी हो, उसे सदा सत्य कहा जाता है। और चैतन्य भी हूं। फिर वो कहते हैं कि मैं बीज होने के कारण मुझे न झाड़ का चैतन्य हूं ना, तो मुझे सृष्टि के ये जो झाड़ है कल्प वृक्ष, कल्प किसको कहा जाता है? चतुर्युगी को कल्प कहा जाता है ना। तो देखो गाया ही जाता है दो चीजें, एक तो ये ड्रामा और दूसरा ये कल्प वृक्ष। ड्रामा कहो, सृष्टि का चक्कर कहो, दोनों की आयु क्या कहेंगे? 5000 वर्ष। तो चक्कर को ड्रामा भी कहे ना बच्चे,
सृष्टि का है ना ये ड्रामा, बेहद सृष्टि का ड्रामा है ये, कोई हद का ड्रामा नहीं है। अगर ड्रामा है तो उस ड्रामा को भी कहेंगे, फिरता तो रहता है ना, है कि कभी रुक जाता है नहीं, बाकी वो 2 घंटा ड्रामा चलता है हद का ड्रामा। और उनका जो रील होता है ना, जिसको कहते हैं है, वो तो बहुत छोटा होता है। और इस बेहद के ड्रामा का रील तो 5000 वर्ष का है क्या? हाँ। और ये 5000 वर्ष की रील आहिस्ते 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 चलती रहती, तो बरोबर ये भी जानते हो जो जो टाइम पास हो होता जाता है, तो बरोबर ये जो 5000 वर्ष का टाइम है ऑलराउंड ड्रामा में, उसमें फिर कमती होता जाता है। ओम शांति।